YouTube अपने कंटेंट क्रिएटर के लिए हर दिन कोई ना कोई अपडेट लेके आता रहता है, बट इस बार वो अपने व्यूअर्स के लिए अपडेट लेके आया है जो कि काफ़ी एक फ़ायदेमंद अपडेट है व्यूअर्स के लिए। और इस अपडेट का नाम है क्लिप्स, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा व्यूअर्स के लिए। तो जानेंगे कि कैसे कैसे यूज़ करेंगे और क्या हैं इसके फ़ायदे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कुछ वो बड़े वीडियो ले लेना है जो आपने किसी बंदे को शेयर करना है, फिर आपने यहाँ पर क्लिप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिप कट करना है, जो पार्ट आपने बंदे को भेजना है आप वो वाला पार्ट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने एक रैंडम वीडियो ली है अपने चैनल की और यहाँ पर 28:29 का मैंने क्लिप शॉर्ट कर क्लिप कर लिया है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि पहले वीडियो का लिंक पूरा भेजना पड़ता था, तो बंदे को बोलना पड़ता था कि इतने इतने पे आप देखिए। इसमें ऐसा है कि क्लिप छोटा सा, जैसे 30 सेकंड का दिखाना है तो यहाँ से सिलेक्ट करो और कट करो, ऊपर डिस्क्रिप्शन में टाइटल डाल के। जैसे ही आप शेयर क्लिप पे क्लिक करेंगे वहाँ से आपको कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से कॉपी लिंक कीजिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। कॉपी करने के बाद आप व्हाट्सएप पे जाके कहीं पे भी है इसको जिसको आपने भेजना है उसको वहाँ पे जाके पेस्ट करके लिंक को भेज सकते हैं। इससे होगा ये कि जो आपने क्लिप बनाया है 30 या 40 सेकंड का, वही आपको दूसरे बंदे को दिखेगा, वो वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी। क्लिप का मतलब यही है और इसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा व्यूअर को होगा, क्योंकि पहले पूरी वीडियो देखनी पड़ती थी और ढूंढना पड़ता था क्लिप कौन सा भेजा हुआ है। अब आपने जो लिंक भेजा होगा वो उतना ही क्लिप देख पाएगा जितना आपने भेजा होगा, बाकी उसको ऑप्शन आ जाएगा पूरी वीडियो देखने का, वो पूरी वीडियो देख सकता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।